हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का पेपर का जो सॉल्यूशन चल रहा था उसका, हमें आगे का टॉपिक। और देखो स्टूडेंट्स, हमारे एप्लीकेशन की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले जो सेमेस्टर है उसके लिए हमारे कोर्सेज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल से फीस में आपको सारे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है कुछ कंपनी की, और उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से आपको उसकी वैल्यूएशन निकालनी है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो, फेयर वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर आपको पहले नेट एसेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये नेट एसेट कैसे निकलती है ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर और सीखने लायक है, क्योंकि आगे चल के कोई नया क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर पूछते तो उसमें ये टाइप का टॉपिक पूछ सकते हैं। देखो, यहाँ पर एक लाइन पढ़ो, फिक्स एसेट इंक्लूडिंग अ गुडविल 5,10,000। मतलब आपके पास फिक्स एसेट और विद गुडविल, ओके, विद गुडविल 5,10,000 है। मतलब इन्होंने क्या बोला पता है, ये फिक्स एसेट और फिक्स एसेट के साथ साथ गुडविल भी अंदर कंसीडर कर लिया है, और इसकी न्यू वैल्यू उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। देखो, यहाँ पर दे रखा है, और उन्होंने क्या बोला है कि बोले कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 10,000। तो कोई बात नहीं, पहले फिक्स एसेट ले लिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम कंसिडर नहीं करते, ओके। और करेंट एसेट हम कंसिडर करें तो करेंट एसेट कितना आ जाएगा, 1,00,000, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है करेंट एसेट 1,00,000। तो ये आ गया 6,10,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 30% ऑफ करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट द प्रोविजन फॉर द टैक्स। अब यहाँ पर आपके पास देखो करंट लायबिलिटी है, तो पहले एक काम करो, करंट लायबिलिटी पहले यहाँ पर लेस तो कर दो, करंट लायबिलिटी कितना है 1,00,000, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सर कितनी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000। मतलब देखो 6,10,000 और उसमें 1,00,000 माइनस करोगे और 10,000 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 5,00,000, ओके 5,00,000 आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर आया 5,00,000। और यहाँ पर एक और चीज़ है जिसमें आपको प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में शायद दे रखा है, देखो ऊपर जाओ पता चल जाएगा, ये लायबिलिटी हो गई, प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 हो गया, प्रेफरेंस शेयर भी क्वेश्चन में दे रखा है 1,00,000, और मतलब आपके पास जो नेट एसेट है फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर वो 4,00,000 आ जाएगी। अभी आप इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल लो, क्या जाएगा, नेट एसेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, नेट एसेट आई 4,00,000 की, और नंबर ऑफ शेयर शायद नीचे मिल जाएंगे, देखो यहाँ पर कितने, 1,00,000 है और 100 रुपये का शेयर है, डिवाइड कर लो इनको तो मिल जाएगा 1,000, ठीक है। तो 1,000 आपको मिल जाएंगे शेयर, और ये आ जाएगा ₹400 शेयर, ओके पर शेयर की वैल्यू। और अभी देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो बोले कि आपको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में बहुत अजीब तरीके से ढूंढना, ध्यान दो, आपको यहाँ से पढ़ना है 30% ऑफ करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट द प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। मतलब कहना ये चाहते हैं कि आपके पास ये जो करंट लायबिलिटी है ना, ये जो करंट लायबिलिटी 1,00,000 की, मतलब समझो करंट लायबिलिटी जो है कितनी है, 1,00,000 की है, उस 1,00,000 का 30% अमाउंट जो है ना वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स जो होगा वो 1,00,000 का 30% अमाउंट होगा, मतलब 30,000 अमाउंट जो है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उसमें, जो इसके अंदर इंक्लूड ही है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर क्या बोला कि 40% जो है ना, 40% इस साल जो प्रॉफिट हुआ उस 40% प्रॉफिट जो है वो टैक्स में भरना है, मतलब बोलो लिखो विच इज 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट, ये अपना प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट
उसका 40% करने से क्या मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा, ऐसा बोला है उन्होंने। तो मतलब अपने को प्रॉफिट जानना है, तो 30,000 अपना प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, और ये 40% है प्रॉफिट का, 40% है, तो 40% को सामने लेके जाओ तो डिवाइड कर दो ना, तो कितना आ जाएगा, 75,000 आपका क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड में क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100। 75,000 आपका प्रॉफिट है और यहाँ पर आपके पास जो इक्विटी है वो 1,00,000 की है पेड अप कैपिटल, ठीक है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट पर से क्या पे करना है, पहले तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करना है ना, 1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर है उस पर डिविडेंड कौन देगा, देना पड़ेगा ना पहले तो, बिल्कुल, तो पहले हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते, मैं थोड़ा सा नीचे कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मेरे पास जो प्रॉफिट आया वो 75,000 है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ना वो बिफोर टैक्स होगा, बिफोर टैक्स प्रॉफिट हो गया, एक सेकेंड मैं पूरा ठीक से लिख देता हूँ, बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा ये, और इसमें से उन्होंने बोला है ना अपने को 40% टैक्स भरना है ना, 75,000 का 40% टैक्स भरना है, मतलब 30,000 का टैक्स भरना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45,000, और इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लगेगा और वो 10,000 लगेगा क्योंकि 1,00,000 का प्रेफरेंस है, 1,00,000 का प्रेफरेंस है 10% का है, तो 35,000, और ये 35,000 का जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ये गलती मत करना, देखो मैंने 75,000 लिखा था, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये प्रॉफिट जो है वो आपका बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स प्रॉफिट जो होगा उसका 40% टैक्स भरते हैं, तो आपको यहाँ पर बिफोर टैक्स प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा, ये अपना बिफोर टैक्स प्रॉफिट आएगा, समझे। तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से आपको पहले टैक्स लेस करना है, फिर आपको डिविडेंड लेस करना है, तो मतलब मेरे को मिलेगा 35,000 का, और ये 1,00,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इंटू 100 कर लो, आपको मिल जाएगा 35%। और अभी मुझे मार्केट वैल्यू निकालना है, निकाल सकता हूँ मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक तो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, ओके यहां पर आ जाएगा पेड अप कैपिटल, देखो 35% मेरी अर्निंग है और मेरे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कुछ 10, ये रहा, और मेरा कंपनी का जो शेयर का फुल्ली पेड अप अमाउंट है वो 100 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से डिवाइड करूँगा और 100 से मल्टीपल, क्योंकि मेरा शेयर का वैल्यू 100 है, ये परसेंटेज को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो मुझे 350 रुपये क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू, और मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा, मार्केट वैल्यू प्लस बुक वैल्यू या तो इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाय 2। देखो मार्केट वैल्यू 350 आई, इंट्रिंसिक वैल्यू 400 आई थी, डिवाइड बाय 2 कर लो, 350 प्लस 400, ओके, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 375, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है वो जो टॉपिक पूछा था आपको वो ये टॉपिक से जो नया निकालना था प्रॉफिट इस तरीके से, ठीक है, ये आपको कुछ भी, देखो ये टॉपिक आपको कल के उठ के लॉन्ग क्वेश्चन में भी शायद पूछ ले, ठीक है, ये तो चलो 8 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन था, हो सके आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक को पूछ लिया जाए, ठीक है, कंप्लीट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।